हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा एडवर्ब का टोटल एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी एडवर्ब इतना इलास्टिक है अपने पोजीशन को लेकर के कि उसमें हमेशा एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो एडवर्ब्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिनका पोजीशन वेरिएबल है, उसको आज कुछ सेंटेंसेस के जरिए, कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए तैयार होइए। इस पैटर्न को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस पहले से, एग्जांपल्स पहले से लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ओनली एडवर्ब को हम लोग लेते हैं, ओनली। ये अपना पोजिशन शिफ्ट करता है जरूरत के हिसाब से, किस पार्ट को यो ये एम्फसाइज कर रहा है। यहां पर आई गेव इट टू यू ओनली, तो ओनली यू को एम्फसाइज कर रहा है। तो इस तरीके का अगर कॉन्टेक्स्ट होगा तो इसका पोजीशन यहां पे होगा। लेकिन अगर वर्ब को मॉडिफाई करता है या एम्फसाइज करता है, तो उस समय फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की तरह, प्री एडवर्ब की तरह वर्ब के ठीक पहले आएगा, इसका पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा। इन दोनों में मीनिंग यही हुआ कि ओनली टू यू, नॉट टू एनीवन एल्स, किसी और को नहीं, केवल तुम्हें दिया। तो यू पर इम्फेसिस है, पोजीशन यहां पर होगा। लेकिन इसमें मीनिंग निकलेगा ओनली लेंट यू, नॉट गेव यू, नॉट गेव यू। तो केवल उधार दिया है, तो इस पर ये एम्फसाइज कर रहा है कि हमेशा के लिए नहीं दिया है, केवल अभी फॉर ए मोमेंट आपको उधार दिया है, और आप ये ध्यान रखें। तो इसमें यू पर इम्फेसिस नहीं है, इसमें वर्ब पे इम्फेसिस है। तो इस हिसाब से ओनली एडवर्ब का पोजीशन चेंज हो सकता है। जिस पार्ट को ये इम्फेसाइज करेगा उसके पहले या बाद में ये हो सकता है। अगर किसी प्रोनाउन को इम्फेसाइज करेगा तो जनरली उसके बाद आ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में आ गया। और यहां पर अगर वर्ब को एम्फसाइज कर रहा है तो उसके ठीक पहले इसका पोजीशन होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ओनली के साथ भी होता है, इसी तरीके से जस्ट और नियरली के साथ भी होता है। जस्ट का एग्जांपल आप देखें, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए वॉक। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसका पोजीशन शिफ्ट भी करता है, तो मीनिंग में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ थोड़ा एम्फसिस पर अंतर है। यहाँ पे जस्ट गोइंग, गोइंग वर्ब पे एम्फसिस है, तो इसके पहले ये हो गया। यहां पर किसी और काम के लिए नहीं जा रहा हूं, केवल टहलने के लिए जा रहा हूं, तो जिस पर्पस के लिए जा रहा है उसको एम्फसाइज कर रहा है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक ओनली, आई एम गोइंग फॉर जस्ट अ वॉक, दोनों एक ही मीनिंग देगा इसी तरीके से। तो यहां पर इसका पोजीशन इसके पहले आया तो ये इसको एम्फसाइज किया, और यहां पे वर्ब के पहले आया तो वर्ब को एम्फसाइज किया। ये भी ओनली की तरह वेरिएबल पोजीशन वाला है, जो आपका पर्पस होता है उस हिसाब से उसका पोजीशन शिफ्ट करता है। यहां पर यूजुअली का यूज जो है ये वर्ब के ठीक पहले आ जाता है। यूजुअली फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, और जो नॉर्मली इनडिफिनिट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का जो पोजीशन होता है वो इसका शो कर रहा है। इसको ऐसे भी, हालांकि हम लिख सकते हैं ओनली और जस्ट की तरह, कि आई ट्रेवल यूजुअली बाय ट्रेन। तो यूजुअली बाय ट्रेन, ट्रेन को एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेवल करता हूं तो सामान्यतः ट्रेन से ही करता हूं, और यूजुअली ट्रेवल करता हूं ट्रेन से। तो दोनों के मीनिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंस कुछ नहीं है इन दोनों से, अलग इसका हो जाता है ये प्राइमरीली इसीलिए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के रूप में यूज होता है। और इस तरीके के सेंटेंसेस को हम यूज ना करके यूजुअली के साथ ये पोजीशन हमेशा प्रिफर किया जाता है।
लेकिन ओनली और जस्ट के साथ केस स्लाइटली डिफरेंट है, उसका पोजीशन वैरी करता है। यहां पे अब अगले पे आते हैं, नेवर है, नेवर, नेवर में आई हैव नेवर सीन अ स्पेसक्राफ्ट, यहां पे वर्ब के मेन वर्ब के पहले आया है, मिड पोजीशन है, मेन वर्ब के पहले आया है। यहां पे ही नेवर कैन डू दिस, यहां पे मेन वर्ब के पहले नाउन आकर के ऑक्सिलियरी के पहले आ रहा है। इसमें इसलिए ये एग्जांपल हमने स्पेशली चुना कि यूजुअल पोजीशन तो ये होगा इसका, जो नॉर्मली हम नेवर का यूज देखेंगे तो उसमें यही पोजीशन होगा, लेकिन नेवर जब ऑक्सिलियरी को इंफेसाइज करता है, कल भी हम इस बात पर चर्चा किए थे और आज पर्टिकुलरली इस एग्जांपल को लेकर के आए हैं कि इस तरीके के अगर यूज होंगे तो हमेशा वो गलत ही हो जाए, ये जरूरी नहीं है। नेवर का नॉर्मल पोजीशन मेन वर्ब के पहले होगा, अगर ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब दोनों है तो उन दोनों के बीच में होगा, अगर ऑक्सिलियरी नहीं है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होगा। लेकिन कई बार ऑक्सिलियरी होते हुए ऑक्सिलियरी के पहले नेवर का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सिलियरी को इंफेसाइज करता है, यहाँ पे आप अपने एक अफर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं अपने बिलीफ को कि वो आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ही कैन नेवर डू दिस के बदले ही नेवर कैन डू दिस हम एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर हम इंफेसाइज कर रहे हैं उस पर अपने ट्रस्ट को, अपने बिलीफ को अफर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का यूज ऐसे ही हमने कल चर्चा किया था कि अगर क्वेश्चन और रिस्पांस के पैटर्न में अगर कुछ रहेगा तो वहां पे इस तरीके का यूज जनरली देखने को मिलेगा। हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हैव यू एवर टेस्टेड इट, नो I never have। तो यहां पर ऑक्सिलियरी के ये पहले आया क्योंकि इस पर एम्फसाइज कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सिलियरी एक तरीके से मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जा रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर रिस्पॉन्स कंप्लीट करेंगे तो I have never tasted tea। तो टेस्ट यहाँ पर यूज नहीं किया गया, बाकी एलिप्सिस के रूल के तहत डिलीट हो गया, तो उसके पहले नेवर हैव के पहले ही नेवर आ जाएगा। आई हैव नेवर, नो आई हैव नेवर कहना उचित नहीं होगा, या यूज करना लिखना ही उचित नहीं होगा, यहाँ पर हैव के पहले ही नेवर आ जाएगा। उसी तरीके से थोड़ा डिफरेंट वे में है कि अगर मेन वर्ब का यूज हुआ भी है, फिर भी अगर स्पेशली पर्टिकुलरली ऑक्सिलियरी को इम्फेसाइज किया जाए तो नेवर उसके पहले आएगा। इस सेंटेंस को आप लोग एग्जांपल को याद रखिएगा कि नेवर कैन डू दिस, तो यहाँ पे नेवर का यूज देख लीजिए। इसके बाद कल हम लोग सर्टेनली और श्योरली पर भी थोड़ा सा चर्चा किए थे, इसको सेंटेंस में फिर से आप देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। द बुक इज सर्टेनली वर्थ रीडिंग, तो यहाँ पर सर्टेनली का मीनिंग क्या आ रहा है, I have no doubt about it means it's definite। तो यहां पर ये मीनिंग दिया कि निश्चित है कि बुक वर्थ रीडिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Surely you will find it interesting। यहाँ पर use में अंतर देखिए, यहाँ पर position कुछ भी हो surely का meaning में slight difference आ जाएगा। Slight difference क्या आया कि I believe so, मेरा मानना है कि आप भी इसको रुचिकर मानेंगे, interesting आपको भी लगेगा। तो surely और certainly में ये difference है, ये आपके विश्वास की बात करता है और ये एक यूनिवर्सल डेफिनेटनेस की बात करता है। यहां पर यू विल श्योरली फाइंड इट इंटरेस्टिंग, वही मीनिंग है, पोजीशन
थोड़ा सा वर्ब को इंफरसाइज कर रहा है यहाँ पर अपने पोजीशन को चेंज करते हुए, लेकिन फिर भी सर्टेनली की तरह मीनिंग नहीं दे रहा है। सर्टेनली में यू विल सर्टेनली फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो यहां पर ये आ जाएगा फिर कि आई हैव नो डाउट अबाउट इट, यू विल सर्टेनली फाइंड इट इंटरेस्टिंग। हालांकि इस केस में थोड़ा सा इंप्लीकेशन के अंतर के साथ दोनों को इंटरचेंजेबली भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। श्योरली का मतलब क्या हुआ? श्योरली मतलब इट इज नॉट डेफिनेट बट यू बिलीव सो। और सर्टेनली का मतलब क्या हुआ? कि इट इज डेफिनेट इट इज नॉट ओनली योर बिलीव, ये सिर्फ आपका विश्वास नहीं है, ये डेफिनेट है, निश्चित है। तो इस तरीके से इन एडवर्ब्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। कुछ और सेंटेंसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, को देखिए। इफ इट रेन्स द मैच विल श्योरली सर्टेनली श्योरली बी पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पर इफ इट रेन्स की बात है, बारिश होगी यदि, द मैच विल सर्टेनली श्योरली बी पोस्टपोन्ड। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि सर्टेनली और श्योरली में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप क्या चुनेंगे? यहाँ पर श्योरली से बेटर सर्टेनली होगा, क्योंकि बारिश होगी तो डिफरेंट है कि मैच पोस्टपोन होगा, तो इससे बेटर ऑप्शन ये होगा, श्योरली और सर्टेनली। यू विल लाइक द मूवी, एटलीस्ट आई होप सो है सेंटेंस में। यहाँ पे सर्टेनली से बेटर श्योरली होगा, इस तरीके से श्योरली, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं बताता है, आपका विश्वास, आपका आपकी उम्मीद बताता है, और शुरुआत में भी है, शुरुआत में श्योरली ज्यादा यूज होता है। दे आर श्योरली सर्टेनली गोइंग टू पास द एग्जाम। तो पास द एग्जाम ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें दोनों आप यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन इसमें भी श्योरली को हम प्रीफर करेंगे अगर आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया गया है। आई एम सर्टेनली श्योरली गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, आई अश्योर यू, यहां पे है। तो यहां पर भी दोनों यूज किया जा सकता है, अश्योर की बात है, सर्टेनली प्रीफर किया जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन श्योरली भी गलत नहीं होगा। सी विल सर्टेनली श्योरली विन द रेस, शी इज अ ट्रेंड स्प्रिंटर। यहां पर भी दोनों यूज हो सकता है, क्यों, लेकिन फिर भी ट्रेंड स्प्रिंटर की बात है तो ये सर्टेनली यूज होगा। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो क्वेश्चन है वो टेक्निकली एरर में नहीं आएंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट के केस में अगर श्योरली और सर्टेनली को चुनना हो तो आप इसी आधार पे, मीनिंग में जो स्लाइट डिफरेंस है, जो बेटर मीनिंग को कन्वे करता है, उसके हिसाब से आप उसको चुनेंगे। टू बी श्योर दे सकता है ऑप्शन में, श्योरली दे सकता है, सर्टेनली दे सकता है, तो इस तरीके से होपफुली दे सकता है। तो इस तरीके से हम निश्चित रूप से चुनने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जैसे बारिश की बात है तो श्योरली यूज उतना सही नहीं लग रहा है, सर्टेनली लग रहा है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद रहे, आप परीक्षा में चुनने में आपको परेशानी ना हो, और यहाँ पे श्योरली चुनेंगे क्योंकि उम्मीद की बात स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन इस तरीके से अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, और उसके बाद सेंटेंस के सेंस, उसके इम्प्लीकेशन के आधार पर
प्रीफर करने की जब बात आएगी वैसा ऑप्शन आ ही जाएगा एकदम क्लोज, तब आप उसको चुनेंगे। ट्रेंड स्प्रिंटर की बात है तो सर्टेनली यहाँ पर यूज किया जा सकता है, अपने करने की बात है और एश्योरेंस है यहाँ पर तो सर्टेनली यूज किया जा सकता है, लेकिन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एग्जाम पास करने की गारंटी कराने की गारंटी कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर आगे रहता है कि आई हैव सीन देम वर्किंग हार्ड प्रिपेयरिंग हार्ड, तो यहाँ पे सर्टेनली ले सकते थे, लेकिन अदरवाइज अगर कोई कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया गया तो श्योरली लिया जाएगा। इस तरीके से आप चुनेंगे, जो डिफरेंस ऑफ मीनिंग है उसके आधार पर यह सुविधा होगी। अब एडवर्ब का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, हमारे डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक भी दिए हुए रहते हैं, आप उसको चुन सकते हैं, वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी सुविधा के हिसाब से अपने बाकी लेसन को मॉडिफाई कर सकें, डिजाइन कर सकें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।